शुक्रिया। इस वक्त मैं पेशाब बोर्ड का इलाका है, वहाँ पे मेन रोड पे है, मौजूद है और यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कारखानों से आने जो इंडस्ट्रियल स्टेट से जो मुख्तलिफ कारखाने और उससे जो इसमें जो मुख्तलिफ कारखानों में इस्तेमाल होने वाला पानी है वो उस पानी पे जहाँ पे निकल रहा है और ये मुख्तलिफ जगहों पर मिल रहा है, मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरे में दिखा सके, ये वो पानी है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से जो हैदराबाद इंडस्ट्री स्टेट के मुख्तलिफ कारखानों में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें संगे मरमर के कारखाने हैं, जिसमें केमिकल के मुख्तलिफ कारखाने हैं, जिसमें अद्वियात के मुख्तलिफ कारखाने हैं, और वो पानी जो इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है वो बग़ैर किसी फ़िल्टर के वो आम नालियों फेंक दिया जाता है। और ये पानी इसी तरह आप देख सकते हैं, बदबू की वजह से यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। ये गंदा पानी दरिया में जो है गिर रहा है, जिससे न सिर्फ जिन जिन एरिया से ये पानी जा रहा है उस जगह के पानी को आलूदा कर रहा है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी का बाज़ भी बन रहा है और जो फिजाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। कोई इस हवाले से कोई इकदाम नहीं, ना महकमा माहौलियात इस हवाले से कोई इकदाम उठाने को तैयार है कि आया जो इंडस्ट्रीज़ है उससे पूछा जा सके क्या है वो जो इन्होंने जो SOPs बनाए हैं इसको उसको वो मेंटेन रखे हुए हैं, उसको चेक कर रहे हैं, इसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम कहीं भी नहीं है। तो न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी बल्कि आबी आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी भी इससे फैल रही है। जी।